अकाउंट्स। तो देखो, अब इस चैप्टर का तुम्हारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। मुझे बताओ, गलतियां होती रहती हैं, सभी से गलती होती है। अगर एक व्यक्ति कॉपी में नोट कर रहा है तो नोट करते समय उससे गलती हो सकती है। अगर तुम किसी कंपनी का डाटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो, किसी कंपनी का डाटा, मान लो कंपनी का इंटरेस्ट, कंपनी का लोन, कंपनी का फर्नीचर, कंपनी की एसेट्स और कंपनी की लाइबिलिटीज, ये सारी चीजें तुम अकाउंट्स में डाल रहे हो, कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हो, गलती हो सकती है। कहीं पर भी गलती हो सकती है। काम की बात यह है कि उस गलती को, उस मिस्टेक को हम ठीक कैसे करेंगे। क्वेश्चन यह है, गलती हो गई तो हो गई, और गलती को ठीक करना सीखना है हमें, है ना। तो देखो, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3 या 4 नंबर के लिए, और कभी कभी तो 6 नंबर में भी आ जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट। ले दे के देखो, वैसे तो चैप्टर 1 में कई सारे टॉपिक है, कुछ छोटे टॉपिक और कुछ बड़े टॉपिक, लेकिन जो आने लायक टॉपिक है कुछ खास ही हैं। सारे के सारे खास नहीं है, और सारे के सारे आते भी नहीं है पेपर में। कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े हैं और जो पेपर में आते हैं, जिसमें से हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन करा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, और अक्सर पेपर में देखने को मिलता है। अब है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट, और इसके बाद गारंटी। गारंटी को बाद में देखेंगे, पहले पास्ट एडजस्टमेंट की बात करते हैं। तो देखो, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इसको दो तरीके से जाना जाता है, पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक, या फिर एक नया नाम होता है कि अगर हम किसी गलती को ठीक कर रहे हैं तो उस ठीक करने के लिए कैसे काम किया जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन, तुमने 11th क्लास के अंदर जाना होगा कि कई बार क्या होता है, एंट्री करते समय गलत हो जाती है तो हम रेक्टिफाई करते हैं, है ना। तो इसलिए इसको रेक्टिफिकेशन मेथड भी बोला जाता है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले दो खास बातें लिखाऊंगा, सिर्फ दो खास बातें। और यकीन मानो, अगर सिर्फ वो दो बातें तुमने पढ़ ली ना और समझ ली, समझो ये पूरा टॉपिक तुम्हें क्लियर हो गया। सिर्फ उन्हीं दो बातों का खेल है पूरे पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक में। तो आज के लिए सबसे पहले तुम्हें दो खास बातें लिखनी है, और वो कौन सी दो खास बातें हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं। लिखो नोट के अंदर, नंबर 1 बात, मुझे बताओ, दो ही तरह की गलती होती है। गलती दो ही तरह की होती है हमेशा बिजनेस में। या तो तुमने किसी को गलती से कम दे दिया है, समझ रहे हो ना, किसी को क्या करा तुमने, गलती से कम दे दिया, गलती है। और अगर किसी को गलती से ज्यादा दे दिया, ये भी गलती है। क्वेश्चन ये कि ये दो तरह की गलतियों को हम ठीक कैसे करेंगे, दो तरह की गलतियों को ठीक कैसे करेंगे, अगर किसी को कम दे दिया या फिर किसी को ज्यादा दे दिया। तो दो बातें लिखाऊंगा, और बिल्कुल हिंदी में लिखवाऊंगा, हिंदी में। तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्टली उसी हिंदी में उस बात को नोट करना है। वो बात मैं चेक कर सकता हूँ तुम लोगों के रजिस्टर में। तो नोट के अंदर नंबर 1 पॉइंट लिखो कि या तो किसी को क्या मिला होगा, कम। तो लिखो, क्या लिखोगे, कम मिला है ना, हो सकता है ना, कम मिला है, बिल्कुल यही चीज लिखनी है। मैं रजिस्टर में नोट करते हुए देख सकता हूं कि तुमने क्या लिखा है, और जरा सा भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी इंग्लिश में नहीं लिखना, हिंदी में यही 3 शब्द लिखने हैं, कम मिला है। फिर देखो खेल पास्ट एडजस्टमेंट का, क्या लिखा है तुमने, कम मिला है। कहने का मतलब ये कि देने थे 10 रुपये और दिए कितने, 8 रुपये। देने थे 10 रुपये और दिए कितने, 8 रुपये। दो बातें होती हैं, या तो कम मिला है, इसके साथ साथ है ना एक और लिख लेना, ओब्लिक लगा के, ओब्लिक लगा के एक वर्ड और लिखो, कम मिला है या नहीं मिला, बताओ। ये तो इससे भी बड़ी गलती है। देखो, चाहे गलती ये हो कि भाई 10 रुपये देने थे और तूने दिए कितने, मुझे 8 दिए, कम दिए ना, गलती। तूने 10 रुपये देने थे, तूने दिए ही नहीं अभी तक, ये भी तो गलती है, देने चाहिए ना, दिए तो नहीं अभी तक। दोनों तरह की गलती एक ही है, कम मिला है या मिला ही नहीं, ठीक है। ध्यान रखो,
दोनों ही केस में चाहे कम मिला हो या मिला ही ना हो, ध्यान रखो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कि मैंने क्या लिखवाया है, लेकिन इस बात को ना याद करने की कोशिश करो। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें ये बात और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पहले इस बात को समझो ये लिखा हुआ क्या है। देखो, अगर किसी भी व्यक्ति को कम मिला हो या फिर मिला ही ना हो, ध्यान से सुनो, अगर किसी भी व्यक्ति को कम मिला है या मिला ही नहीं है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी? रॉन्ग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या माना जाएगा? रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब समझते हो? रॉन्ग का मतलब है गलत। रॉन्ग का मतलब क्या है? गलत है। तो ऐसे में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी? गलत। कैसे मानी जाएगी और क्या निकलेगा वो सारी बातें मैं बता दूंगा जब क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो इतनी सी बात को नोट कर लो। और अब लिखो नंबर टू। नोट के अंदर ही चलना है, मैंने बोला था ना दो नोट लिखवाऊंगा, दो नोट लिखवाऊंगा और सारा पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक खत्म। तो नोट के अंदर ही लिखो नंबर टू। दो ही बातें होती हैं, या तो कम मिलता है ना, या फिर गलती से क्या हो जाता है, ज्यादा मिल जाता है। ये भी गलती हो जाती है कई बार। तो लिखो ज्यादा मिला है, ये बड़ी दिक्कत है, ज्यादा मिला है। देखो कैसे करना है तुम्हें नोट। तुम्हें लिखना है कम मिला है या नहीं मिला, उसके आगे लिखना है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होती है? रोंग होती है, ठीक है। और अगर ज्यादा मिला है, किसी को तुमने गलती से क्या दे दिया है, ज्यादा, तो ऐसे में तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मानी जाएगी? राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों बातों का क्या मतलब है सब समझ में आ जाएगा अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। जब किसी को कम मिला हो या मिला ही ना हो, तब तो तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रॉन्ग है। और अगर किसी को गलती से ज्यादा मिल गया है, तब तुम्हारी वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो राइट है, ठीक है। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तब तुम्हें बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो तो पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। अब तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए टीएस गरेवाल, और मुझे नहीं पता कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब कि मैं तुम्हें नंबरिंग नहीं बोलूंगा, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हें मालूम है ना ये बात, मैं कभी भी अकाउंट में क्वेश्चन नंबर नहीं बोलता हूँ, लेकिन वही क्वेश्चन होता है जो लास्ट क्लास में मैंने जहां तक कराया था उससे आगे का। तो तुम लोगों के पास बुक है और अपनी लास्ट क्लास से देख सकते हो मैंने कहां तक कराए थे। और वैसे भी पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक निकाल लो, मतलब हेडिंग निकाल लो, उसी के बाद वाला क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूं, क्योंकि शुरुआत हो रही है ना, शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं जरा।